जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के जो लोग हैं वो लोग आगे बांटते रहते हैं तो दोनों तरफ की हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम लोग जो फ्रेंकली वोटर्स लिस्ट में भी नहीं है और जो जेन्यूनली नीडी हैं हम उन तक पहुंचे कोशिश यही रहती है हमारी तो आज भी वही हुआ हमने करीब साढ़े छह हजार लोगों को आज खाना खिलाया है और कल की बात करते हैं अगर तो प्रशासन का भी अनुरोध था कि हम लोग वो करें आ, हम लोग ड्राई राशन बांटे तो हम लोगों ने अब से कल से यही कर रहे हैं एम टी इंडिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उन्होंने आगे की आगे हमारा सर्वे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है एक एरिया को उन्होंने कल के लिए चिन्हित कर लिया है तो 500 जो है राशन के पैकेट्स हम लोग कल वहाँ उस एरिया में बांटेंगे और वो आपको कल पता चली जाएगा इस व्यवस्था में परिवर्तन क्यों किया क्यों किया आप लोगों ने देखिये परिवर्तन की बात ये थी एक तो रोज अगर कोई जना निकल रहा है ईज सबल तो उनको मतलब प्रशासन ये चाह रहा है कि हम लोग कम निकलें और कम निकल के हम लोग मैक्सिमम खाना लोगों को दे जैसे सात दिन तक उनकी भूख मिटे दस दिन तक उनकी भूख मिटे दोबारा वहां नहीं जाना पड़े ताकि हम और एरियाज में भी जा पाए तो वो इंट्रैक्शन बंद करने के लिए भी कि एक जने के साथ रोज रोज जाने का क्या मतलब है तो इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन किया गया प्लस हमारे को ये जेन्यूनली फील हो रहा था कि कई लोग उसको डबल कर रहे हैं मतलब हम जाकर के खाना दे के आ रहे हैं थोड़ी देर बाद कोई और खाना देकर के आ रहा है थोड़ी देर बाद कोई राशन के पैकेट्स देकर के आ रहा है कल हम उस सब चीज को उसकी लिस्टिंग करेंगे उन व्यक्ति के घर जाएंगे उन लोगों को राशन देंगे और उनकी लिस्टिंग होगी कि इस इस एरिया में इस गली नंबर में इन व्यक्ति को हमने सात दिन का राशन दिया तो उससे क्या होगा वो लिस्टिंग होकर के जब हम उसको प्रशासन को सौंप देंगे तो डबलिंग होने के चांसेस कम रहेंगे नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर वायरस या कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रूमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग बीस सेकेंड तक धोएं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रूमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए